दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके ही चैनल उषा की किरण में। दोस्तों आज मैं किसान भाइयों के लिए एक बेहतरीन ट्रैक्टर का रिव्यू लेकर के आया हूं, जॉन डियर 5036D के बारे में आज हम बात करेंगे। सामने की साइड में इसमें आपको लगभग 1.5 क्विंटल का बम्पर मिल जाता है, काफ़ी हैवी बम्पर होता है दोस्तों ये, ताकि आप जब ट्रॉली वगैरह या पीछे की साइड में बाहर उठाने का काम करते हैं तो उस समय पर हमारा ट्रैक्टर उठ ना सके। दूसरा दोस्तों, इसके अंदर आपको काफ़ी बेहतरीन टायर मिलते हैं, फ्रंट में आपको 6/16 के टायर मिलते हैं और पीछे की साइड में आपको 13/6/28 के टायर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। सामने की साइड में आपको काफ़ी बेहतरीन ब्लैक कलर के अंदर जालियां देखने को मिलती हैं। हालांकि इस ट्रैक्टर का जो बोनट वगैरह है वो आपको फाइबर बॉडी के अंदर यहां पर देखने के लिए मिलता है। दोस्तों ये जो ट्रैक्टर है, इसके अगर ट्रैक्टर के ओवरऑल अगर वेट की बात करें तो लगभग 1.5 टन वेट के अंदर ये ट्रैक्टर आता है। वैल्यू ट्रिपल प्लस के नाम से जॉन डियर ने इसको निकाला है, जहां पर कि आपकी फ्यूल एफिशिएंसी और किफ़ायत के बारे में ये ट्रैक्टर काफ़ी अच्छा होता है। 3 सिलेंडर इंजन के साथ में आता है, 2900 cc के आसपास का आपको यहाँ पर इनलाइन पंप के साथ में इंजन मिल जाता है। ड्राइविंग के दौरान ड्राइवर को काफ़ी सारी असिस्टेंट करने वाली यहाँ लाइट्स मिलती हैं, ब्रेक लाइट्स हो गई, 4 प्रकार के इंडिकेटर्स हो गए, चारों ही तरफ आपको हर डायरेक्शन में जो इंडिकेटर है उनको ऑपरेट करने का यहाँ पर प्रोविज़न मिल जाता है। दोस्तों ये जो इंजन है इसका 2100 रेटेड RPM के साथ में आता है। डीलर के पास से अगर आप ट्रैक्टर लेते हैं तो आपको KNOP वगैरह सारी की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। 1600 kg की यहाँ पर आपको लिफ्टिंग कैपेसिटी मिलती है। अगर हम इसके PTO RPM की बात करें तो 540 PTO RPM रेटेड के साथ में ये आता है। पीछे की साइड में भी आपको एक चार्जिंग मिलता है, 60 लीटर के बेहतरीन काफ़ी सारे डीजल के टैंक भर सकने वाले अमाउंट के साथ में ये ट्रैक्टर आता है। किसान भाइयों, दिन रात आपको इस ट्रैक्टर को चलाना होता है तो आपके लिए काफ़ी बेहतरीन इसकी पीछे की साइड में लाइट भी देखने के लिए मिल जाती है, जिससे कि आप रात के समय पर पीछे की ओर उजाला आराम से देख सकें। दूसरा दोस्तों, 36 हॉर्स पावर के साथ में इस ट्रैक्टर की जो पावर होती है वो 36 हॉर्स पावर की होती है। यहाँ पर अगर इस गाड़ी के व्हील बेस के बारे में बताएं हम इस ट्रैक्टर के बारे में तो 2970 mm के आसपास इसका व्हील बेस आपको मिलता है। ड्राइवर को दिन रात ट्रैक्टर चलाने में तकलीफ ना हो, इसलिए उसको काफ़ी बेहतरीन कुशन वाली यहाँ पर सीट मिल जाती है, ड्राइविंग सीट, जिसको कि 3-way एडजस्ट कर सकते हैं आप अपने कम्फर्ट के हिसाब से। दूसरा, ट्रैक्टर में आपको पावर स्टीयरिंग मिल ही जाता है और लेग स्पेस काफ़ी अच्छा मिलता है यहाँ पर आपको, यानी कि आप आसानी से ट्रैक्टर को चला सकते हैं। पावर स्टीयरिंग काफ़ी सॉफ्ट है, इजी टू रोटेट है, मतलब आसानी से आप अपने ट्रैक्टर को घुमा सकते हैं इधर से उधर, और सामने की साइड में आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस जो हैं वो डिस्प्ले बोर्ड के ऊपर शो होती रहती हैं। साथ ही आपके मोबाइल को चार्ज वगैरह करने का यहाँ पर आपको एक कार चार्जर भी मिल जाता है। बाकी फीचर्स में दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो इसकी कीमत के बारे में लगभग एक अंदाज़ा 5 से 5.5 लाख रुपए की रेंज में आपको यह ट्रैक्टर पड़ जाता है। काफ़ी सारे बेहतरीन इसमें आपको फंक्शन मिलते हैं, 8 गियर आपको फ्रंट में मिलते हैं इसमें और 4 गियर आपको रिवर्स में मिल जाते हैं, यानी कि आप काफ़ी तेज स्पीड के अंदर भी आप अपने ट्रैक्टर को रिवर्स कर सकते हैं। तो इस तरह के काफ़ी सारे कंट्रोल भी मिलते हैं, साथ ही आपको अपना मोबाइल वगैरह या कुछ और चीज़ रखने के लिए यहाँ पर आपको एक पॉकेट भी देखने के लिए मिल जाती है। ऑयल इमर्स ब्रेक्स के साथ में आता है, ड्यूल क्लच का ऑप्शन भी आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाता है। दोस्तों एक छोटे से रिव्यू के अंदर मैं काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस को कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर रिव्यू पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। अब दोस्तों हम इस ट्रैक्टर के बाकी अगर फीचर्स में देखते हैं तो आपको यहाँ पर हीट गार्ड मिलता है ट्रैक्टर के अंदर, जिससे कि ट्रैक्टर के अंदर अगर हीट वगैरह जनरेट होती है तो वो सारी चीज़ों को ये कंट्रोल कर सके। दूसरा, यहाँ पर आपको ड्राई एयर फिल्टर मिल जाता है, यानी कि एयर फिल्टर जो है वो ड्राई मिलता है। लंबाई इस ट्रैक्टर की ओवरऑल जो आती है 3400 mm के आसपास आती है, और इस ट्रैक्टर की अगर मैं चौड़ाई के बारे में आपको बताऊं तो 1780 mm की चौड़ाई के अंदर ये ट्रैक्टर आ जाता है। काफ़ी बेहतरीन और फ्यूल एफिशिएंसी वाला ट्रैक्टर है। जैसा कि किसान भाई जानते हैं, जॉन डियर एक काफ़ी परफॉर्मेंस देने वाला, यहाँ पर आपको इनलाइन पंप मिल रहा है, 3 सिलेंडर के साथ में आता है। बाकी दोस्तों डिपेंड करता है कि आप इस ट्रैक्टर को किस तरह से यूज करते हैं, फ्यूल एफिशिएंसी उसके ऊपर भी निर्भर करती है। फ्रंट में आपको HD XL मिल जाता है यहाँ पर, और काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर और मिलती है। दोस्तों अगर आप इस ट्रैक्टर के बारे में विशेष जानकारी चाहते हैं तो अपने नियरेस्ट किसी भी जॉन डियर डीलर के पास आप जा करके अपना इसका टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हैं और बाकी इसका प्रैक्टिकल व्यू भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना। जॉन डियर का रिव्यू अगर आपको पसंद आता है तो किसान भाइयों से निवेदन है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस रिव्यू को लाइक एंड शेयर अवश्य करें। तो आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत।